तो भैया स्वामी इसमें दिन पे दिन नए नए फीचर्स को लॉन्च अपने फ़ोन में ऐड करते जा रहा है और अच्छे से ग्रो करते जा रहा है, और इसी की वजह से शायद इंडिया में वो नंबर वन ब्रांड बन चुका है जो कि उनकी नई टेक्नोलॉजीज में यूज़ किए हैं। अच्छा अच्छा फीचर इस फ़ोन में आपको देखने को मिलता है कम प्राइस में, इसी इसी की वजह से शायद ये इतने बड़े नंबर वन ब्रांड बन चुके हैं पूरे इंडिया में। तो हम बात करने वाले हैं स्वामी के एक नए इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको देखने को मिलेगा दो वेरिएंट में, जो कि एक होगा रेडमी K20 और K20 Pro, जो कि कुछ लीक्स निकल के आई हैं इसके बारे में। तो इसकी फीचर्स के बारे में जानते हैं, आपको इस फ़ोन में क्या देखने को मिल सकता है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, तो चलिए कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। डिस्प्ले को लेकर के तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है, स्क्रीन साइज़ जो उसकी है वो 6.39 इंचेज की सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। और बात करें इसके कैमरा की तो आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल आपको मिल जाएगा विथ LED फ्लैश की। और बात करें इसकी हम फ्रंट कैमरा की जो को आपको आगे को देखने को मिलता है तो आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा और पॉपअप सेल्फी के साथ जो कि कैमरा पॉपअप में आ रहा है। यहाँ पे आपको ये फ़ोन दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा जिसमें आपको 6 GB की रैम मिलेगी और 128 GB की स्टोरेज मिलेगी। और वहीं बात करें सेकेंड वेरिएंट की तो आपको 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाएगी। चिपसेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 जो कि लेटेस्ट में यही चल रहा है, हर फ़ोन में यही देखने को मिल रहा है। तो हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यही स्नैप मतलब कि आपको देखने को मिल सकता है प्रोसेसर इस फ़ोन में। और बात करें इसकी बैटरी की तो आपको पता है कि स्वामी का हर फ़ोन 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है, तो इसमें कुछ बढ़ के भी आ सकता है लेकिन हम एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो 4000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 9.0 Pie विथ MIUI 10 के साथ ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा। और बात करें इसमें आपको कौन कौन से कलर देखने को मिल सकते हैं तो कलर यहाँ पे आपको 3 कलर में ये फ़ोन देखने को मिल सकता है जो कि ब्लैक, ग्रे और ब्लू होने वाला है। और बात करें इसकी बैक साइड की तो यहाँ पर आपको ग्लास बॉडी डिज़ाइन देखने को मिल सकता है और आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और आपको इस फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यही सब चीज़ें आपको इस फ़ोन में मिलने वाली है और हम आशा करते हैं कि फ़ोन ये बहुत ही अच्छा होगा आने वाले दिनों में। और इसकी रिलीज डेट की बात की जाए तो ये फ़ोन इंडिया में अभी जो कि चाइना में की बात की जाए तो चाइना में ये फ़ोन 16 मई को भी ये लॉन्च होगा, तो उसके एक महीने बाद ही ये इंडिया में ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16 मई को अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है तो आपको ये 16 जून तक ही ये फ़ोन आपको जून के सेकेंड या थर्ड वीक में आपको ये फ़ोन मिल देखने को इंडिया में मिल जाएगा जो कि फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर आप इसकी ऑनलाइन सेल में ख़रीद सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होंगी रेडमी K20 को लेकर के। तो अगर आप समझ में आ चुकी हैं तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और एक बात, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो जो कि रेडमी का हर फ़ोन 15000 की रेंज तक आता है तो ये फ़ोन भी हमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15000 या 16000 के रेंज में आएगा जो कि इसकी स्टोरेज के ऊपर रेफ़र करता है कि कितना अपना ये डिमांड कर सकते हैं प्राइस का। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फ़ोन 15 से 16 हज़ार रुपये के बीच में लॉन्च हो सकता है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और